भैया ये अपना दूसरे सेगमेंट की अपन बात करते हैं। जो फर्स्ट अपना सेगमेंट था उसके अंदर बैटरी जो थी वो रिमूवेबल नहीं थी, वो फ्रेम के अंदर इनबिल्ट थी। ये जो सेकंड सेगमेंट है इसके अंदर बैटरी जो बैटरी है वो रिमूवेबल है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये ई मोटो रोड कंपनी है जो पुणे बेस है और ये अपने इसको 3 साल हुए हैं और 3 साल से इंडिया का टॉप कर रहा है। जापान, नेपाल और यूएई में इसका बहुत अच्छा स्टोर्स हैं और धूम मचा रहा है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, कहीं भी आप। ई मोटो रोड का ये EMX मॉडल है और जो 3 साल से इंडिया में इलेक्ट्रिक साइकिल में टॉप कर रहा है। मैं इसका राजस्थान का पहला डीलर हूँ, बहुत अच्छी मैं इनकी साइकिल सेल कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक साइकिल में जो चीज़ देखी जाती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी परफॉर्मेंस, और सेकंड हम देखते हैं उसकी सर्विस। कंपनी का फुल सपोर्ट है, फुल सर्विस है, कोई भी पार्ट्स ख़राब होता है तुरंत वो एक्शन लेते हैं, उसको रिप्लेस करके देते हैं। अभी हमारे जो मैकेनिक हैं उनके लिए उन्होंने टेक्निकल जूम पे उन्होंने ट्रेनिंग भी रखी थी, वो भी अच्छी थी, काफ़ी सक्सेसफुल थी। ये अभी जो हमने पहले बात की थी वो 32,000 की थी, टाटा का प्रोडक्ट था, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा प्रीमियम कस्टमर में हम इसको ले आते हैं। सबसे पहले मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ, इसका प्राइस है 59,000 रुपीज़, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो ये अपने इस प्रोडक्ट में दे रहा है तो वहाँ ऐसा लगता नहीं है कि 59,000 ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर इसका एवरेज पर चार्ज, भैया पर चार्ज इसका एवरेज है 45 किलोमीटर प्लस, यानी 3 से 4 घंटे जब हम इसको चार्ज करते हैं तो 45 किलोमीटर से ऊपर का इसका एवरेज है। एक मोड बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो, पैडल असिस्ट मोड, हाँ। उसके अंदर इसका एवरेज 60 किलोमीटर प्लस है। हाँ, मतलब एक बंदा कहीं ऑफिस जाता है, कॉलेज जाता है, 15-15 किलोमीटर उसका आना जाना है, तो 30-40 की रनिंग इसकी बहुत, मतलब आपके पैसे वसूल है। और ये कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल कैसे, इन्होंने आगे जो ये सॉकर दिया है, जूम का सॉकर है, लॉकआउट लॉक इन के साथ, मतलब इसकी क्वालिटी बहुत हाई है। इस साइकिल के अंदर अभी जो हमने साइकिल दिखाई थी वो नॉन गेयर थी, ये गेयर में है, शिमानो के ओरिजिनल गेयर हैं, 7x3 के कॉन्सेप्ट में 21 गेयर हो गए। गेयर का फ़ायदा ये है भैया, जब हम हर टाइम तो इलेक्ट्रिक मोड पे चलाएंगे नहीं, लेकिन जब हम नेचुरल वे में जो साइकिलिंग करते हैं तो गेयर, शिमानो के गेयर होने से साइकिल बहुत स्मूथ चल रही है, थकान कम हो रही है, हम लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं। यहाँ इन्होंने LED स्क्रीन दिया है जो अब तक की सभी साइकिलों में सबसे बड़ा है। सबसे नीचे इसका ये किलोमीटर बता रहा है आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, उसके बाद ये हमें स्पीड बता रहा है, सबसे ऊपर ये एनर्जी बार दे रखा है कि बैटरी के अंदर अभी बैकअप कितना है। थर्ड पैडल असिस्ट मोड इसमें जो 5 होते हैं उसको भी ये शो करेगा। इसके अंदर फ्रंट इन्होंने लाइट दिए, ये फ्रंट लाइट है, इसके अंदर हॉर्न भी है, इस साइकिल में 2-3 चीज़ें भी बहुत इन्होंने बहुत अच्छी दी, जैसे ये जो सैडल दिया है ये काफ़ी ब्रॉड है, कंफर्टेबल है। नहीं तो नॉर्मली साइकिलों में क्या होता है, बहुत मतलब फैशन के हिसाब से वो नैरो हो रहा है, नैरो होने से वो कंफर्ट नहीं है, इसका ये बहुत कंफर्ट है। बैटरी भी इनकी बहुत अच्छी है, जापान की टेक्नोलॉजी वाली इन्होंने मोटर यूज़ की है जो 22,000 MRP के आसपास है, तो क्वालिटी में इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो क्रैंक सेट ये यूज़ कर रहे हैं, क्रैंक सेट इसको बोलते हैं भैया, ये प्रोव्हील कंपनी का है। पैडल्स जो हैं वो फुल्ली एल्युमिनियम है, मतलब परफॉर्मेंस देगा। शिमानो के इसमें गेयर टॉर्नी वाला सेट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। फ्री व्हील की अगर हम बात करते हैं तो फ्री व्हील भी शिमानो का है, मतलब एक बोलते हैं ना कि हाँ चीज़ें अच्छे से चुन चुन के लगाई है। सबसे बड़ी चीज़ है जब इस तरह की साइकिल है, स्पीड में चल रही है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, तो गड्ढे वगैरह आ जाते हैं तो क्या। तो इसने ये बहुत हैवी सॉकर्स इसमें दिए, मतलब ये बाइक की तरह जो सॉकर्स होते हैं ना उस तरह का यूज़ है इनका। मैं खुद पर्सनली ये साइकिल चलाता हूँ और मेरे जो कस्टमर हैं वो रेगुलर नाहरगढ़ वगैरह, पहाड़ियाँ वगैरह, हिल में जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ये पीछे भी इन्होंने एक सॉकर दिया है, ये पहली इलेक्ट्रिक साइकिल है जो 21 गियर में है और ड्यूअल सस्पेंशन के साथ है, ये भी मैकेनिकल सस्पेंशन है। आप इसका इसकी फीलिंग देख सकते हैं, आप इसकी आप बैठेंगे तो ये सस्पेंस कर रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसका ग्रिप भी बहुत हैवी है, आपके पाम में दर्द नहीं होगा, बिल्कुल हैवी ग्रिप है, हैवी क्लच है, जैसे बाइक्स में आते हैं, तो क्वालिटी एक नंबर है।
कस्टमर इसका टेस्ट ड्राइव ले लेता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि अब क्या करें, ना तो छोड़ते बनता है, अब थोड़ा महंगा है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। बाकी EMI ऑप्शन बजाज से HDFC से अवेलेबल है। इसमें हम इसको गीले कपड़े से साफ कर सकते हैं, साइकिल को हम चला रहे हैं गड्ढे में पानी हो या बरसात हो रही है तो साइकिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये इस तरह से है कि पानी के अंदर ही नहीं घुसा दे या बरसात में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धो दिया इसको हमने तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। हम इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करेंगे, इसको गीले कपड़े से ही साफ़ करेंगे। एक्चुअली जैसे ये साइकिल, इस तरह की कोई भी साइकिल चाहे इलेक्ट्रिक है चाहे नॉन इलेक्ट्रिक है, ये फुल बैरिंग पे आती हैं और अगर धोते वक्त इनमें कहीं पानी रह जाता है तो वो बैरिंग कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं, रगड़ की सी आवाज़ आती है। तो ऐसा होता है कि हम इसको अवॉइड करते हैं। पानी में भीग भी जाती है, मान लीजिए भीग गई है तो इसको हम थोड़ा ऐसे झड़काएंगे और धूप में एक दो घंटे खड़ा कर देंगे तो वो वाष्प होके उड़ जाएगा। सुन लिया, इसकी जो बैटरी है वो रिमूवेबल है? हाँ भैया, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा था अभी तक जो हमने दिखाया था उसमें बैटरी फ्रेम के अंदर थी, ये बैटरी रिमूवेबल है। यानी आप अपने ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं और हैं तो आप बैटरी को ऐसे करेंगे, ये बैटरी निकल जाएगी। अब ये रिमूव हो गई है बैटरी, की सिस्टम से होता है। आप इस बैटरी को अपने बैग में भी ले जा सकते हैं, ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ ऊपर ले जाके इसको चार्ज कर सकते हैं और अगले दिन आके लगा सकते हैं। यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन है और ऑन ऑफ का ऑप्शन है। ये इसमें इंडिकेशन भी देता है, जैसे बैटरी हमने घर के अंदर जाके लगा दिए तो हमें पता कैसे चलेगा कि चार्ज हो गई है, तो इसको हम पुश करके रखेंगे तो ये बता देगा कितनी चार्ज हुई है। और इजी टू इंस्टॉल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से इसको लगाना है, रख देना है और छोड़ देना है, ये हो गई। अब हम इसका टेस्ट ड्राइव भी करेंगे, देखते हैं इसका कैसा है, इसका हर तरह के जो इसके फीचर्स है किस तरह के, तो अभी हम चलते टेस्ट ड्राइव के लिए। ओके, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अब मैंने सुनील भैया से मैंने EMF का e-motor road ले लिया है टेस्ट ड्राइव के लिए। तो आइए चलते हैं हम इसका टेस्ट ड्राइव का, देखते हैं इसके फीचर्स भी बताएंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं ऑन। ओके, किलोमीटर हो गया। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं इसके टेस्ट ड्राइव के लिए। ओके, हॉर्न भी है तो अपन देख सकते हैं इसका हॉर्न, और टेस्ट ड्राइव के लिए देखते हैं। और ये फुल रेस के साथ, ये लो, मैं मेरे ऑफिस भी आ चुका हूँ। ओके, अब दिखाते हैं एक बार, यहाँ से बैटरी ऑफ कर लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों अब मैं इसके बारे में चलते चलते आपको फंक्शन बता देता हूँ। अभी जो मैं नॉर्मल अभी 10 से 15 की स्पीड ही रखूँगा। हॉर्न की बात करें तो हॉर्न है, हॉर्न भी मस्त है। साथ में इसकी LED है जो कि नाइट में बहुत अच्छा फोकस करती है। अच्छा, इसमें सबसे ख़ास बात और भी है कि इसमें जो गियर है, मैं अपने हिसाब से गियर चेंज भी कर सकता हूँ, चला भी सकता हूँ और उस हिसाब से साइकिल की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। और जहाँ तक कंफर्टेबल की बात है, पूरा कंफर्टेबल हूँ, आराम से इधर उधर देख सकता हूँ, चल भी रहा हूँ मज़े से। स्पीड आप देख ही रहे, आपकी स्क्रीन में आ ही रहा होगा कि मैं कितनी स्पीड चला रहा हूँ, और एकदम मतलब एकदम वो वाली है, मतलब कोई आवाज़ नहीं है और शॉकर्स जो है इसके बहुत ही स्मूथ है। अगर खड्डे भी आ रहे बीच में तो मुझे इतना पता नहीं चल रहा है। और रही बात सीट की, सीट बहुत ही कंफर्टेबल है और जो कि आपको यानी कि बंप में इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है और ना मुझे इतने जो धचके हो रहे हैं, मुझे उनका एहसास हो रहा है इतना। इसके जो स्पीड है और इसका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी अच्छा है। अभी देखते हैं इसकी टॉप स्पीड मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। अभी ये थोड़ा सा चढ़ाई था, फिर भी इसने बहुत आराम से पार कर लिया है। और साइकिल में और क्या करूँ, पहली बार चला रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हवा का एक पूरा वेव जो साइकिल के साथ मैं महसूस कर सकता हूँ, हवाएं चल रही है बहुत अच्छा। और
स्पीड भी सही है। अब इसमें आपके एनर्जी भी दिखा रहा होगा कि बैटरी की पावर कितनी बची है, उस हिसाब से भी चलिए ऑलमोस्ट बढ़िया ही है। एक जंप, ये हम आ गए अपने डेस्टिनेशन में और यहाँ से सबसे पहले पावर बंद कर देते हैं हम बैटरी का, डिस्प्ले का पावर यहाँ से पहले बंद करना है, उसके बाद फिर हम यहाँ से बंद करेंगे। ओके कंप्लीट।